बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। मैं हूं शिवानी, मैं हूं कुनाल। वेलकम गाइस हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है रिएक्शन वाला कपल। गाइस आज की वीडियो है कंपैरेटिव इस्लामिक स्टडी चैनल से, और वीडियो का टॉपिक है यजीद पर लानत करना कैसा। यजीद की तारीफ करने वाले सुने, यजीद पे लानत करना कैसा है। तो यजीद के ऊपर, उसके ऊपर ही बता पूरा मतलब टॉपिक होगा। तो आप सबको पता है करबला का वाक्या। तो यजीद था एक तरफ, और एक तरफ थे हसनैन आले सलाम। उनका नाम क्या, आले सलाम लगता है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ, हसनैन आले सलाम। तो उस सबका आप सबको पता ही है। तो देखते हैं उनका वाक्या क्या है। और यहाँ 5 वर्सेस फोटो बनाई हुई है। अभी हम दो को ही जानते हैं इनमें से, बाकी दो को को ही जानते जानते नहीं। हैं। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। किसी बुजुर्ग को बुरा नहीं बोलते। फिर मैंने कहा जी आप कुछ दिन मेरे साथ रहेंगे ना, आप भी तबर्रा करने लगेंगे। मैंने एक बहुत बड़े फोरम पर, आप यकीन जानिए 5% शिया होंगे, 95% सुन्नी भाई थे। मैंने उनसे कहा हम तबर्रा नहीं छोड़ेंगे, तबर्रा हमारे यहाँ नमाज की तरह वाजिब है, तबर्रा हमारे यहाँ रोजे की तरह वाजिब है। आपको समझना होगा कि तबर्रा कहते किसे हैं। तबर्रा गाली देने को नहीं कहते। यहाँ भी जो मजलिस में सुन्नी भाई बैठे, मैं उनको दावत फिक्र दे रहा हूँ। तबर्रा गाली देने को नहीं कहते। मुहज्जब कौम गालियां नहीं देती। तबर्रा अहले बैत के दुश्मनों को ना जानना ना पहचानना। हम जानते ही नहीं है कौन है, हम जानना ही नहीं चाहते। आप उनको सर पर बिठा लीजिए, हम कहते हैं हम इन्हें जानते ही नहीं है। हमारा यही तबर्रा है, ला ताल्लुकी। और मैं अपने बच्चों से कह रहा हूं, नाम लेकर कभी तबर्रा ना कीजिएगा। एक तो गलती भी हो सकती है, और दूसरे इबादत महदूद हो जाएगी। हमेशा अहले बैत के दुश्मनों पे लानत भेजा कीजिए, जो दुश्मन होगा लानत पहुंचेगी। अगर कोई यजीद की तारीफ करे, यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहे और यजीद के और मनाकिब बयान करे, तो इसके लिए क्या शरई हुक्म होगा? देखिए, मसला यह है कि यजीद के जितने भी वाकयात हैं, या इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा की शहादत के वाकयात हैं, ये तारीख़ कुतुब में मजकूर हैं। और कुरान तो यकीनी है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं हो सकता कि अल्लाह का कलाम है। और अहादीस करीमा के जमा में बुजुर्गान दीन ने इंतहाई एहतियात से काम लिया है कि एक एक रिवायत करने वाले के बारे में तवील बहसें की गई हैं, तब हदीस की सेहत और उसके ज़ौफ का तायुन किया गया है। लेकिन तारीखी हवालों में इतनी एहतियात नहीं की गई है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो तवातुर से तारीख़ वाक़यात मनकूल है, अगर वो तकरीबन एक जैसे हों, उनमें मुमासलत हो, तो हम एक नतीजा ज़रूर मुरतब कर सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा, वरना हर मौर्रिख ये बातें क्यों लिखता। लिहाजा यजीद के बारे में तारीफी कलिमात तो शायद आपको ओनली 5% कोई नज़र आए, 95% लानत वलामत ही नज़र आएगी। इसीलिए इसको यजीद पलीद कहते हैं कि इसने इतने गंदे अफाल का इर्तिकाब किया कि कोई भी इसके लिए तारीफ जुमले कैसे लिख सकता था। लेकिन इसके बावजूद हमारे इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हु, चूंकि तारीख वाकयात में इतनी कुव्वत नहीं है कि ये किसी के कुफर के बारे में मोतबर हो सकें, लिहाजा यजीद पर हुक्म कुफर तो नहीं लगाया है, लेकिन उसके फासिक होने, फाजिर होने, यानी ऐलानिया तौर पे गुनाह करने, और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हों के मुकाबले में ज्यादतियों का इर्तिकाब करने का कोई इनकार नहीं कर सकता। और इमाम आजम भी इस वजह से इसको फासिक व फाजिर जरूर करार देते हैं। हाँ, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इस पर लानत भी जायज़ करार देते हैं, और इसे काफिर करार देने में भी आर महसूस नहीं करते हैं, यानी दीगर आइमा ने कुफर भी लिखा है। अब ऐसा शख्स जिसके तारीखी वाकयात तवातुर के साथ उसके खिलाफ हों, और उसने नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट इस तरह के मामलात किए हों, खानदान रसूल के बारे में इस तरह अहकामात जारी किए हों, तो अगर कोई शख्स बिलफर्ज कोई ऐसी दलील पाता भी है कि यजीद के खिलाफ ना जाती हो, तो उसे चाहिए कम अज कम इमाम हुसैन और खानदान रिसालत का लिहाज करके तारीफ जुमले तो ना कहे, क्योंकि हो सकता है ये तारीफ जुमले मैदान माशर में सरगर्फ का सबब बने। यजीद, बास लोग यजीद को यजीद के माविया को, अमीर माविया रजी अल्लाह का सहाबी रसूल, मुसलमानों के मामू,
उनकी बहन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुहतरमा कातिबे वही 64 लाख मुरब्बा मील कुर्रा अर्ज पे तौहीद का झंडा गाड़ने वाले सैयदना अमीरे मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु वर्दा। कुछ लोग यजीद को सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के मुकाबले पर पेश करते हैं। यजीद का मुकाबला किससे करते हैं? सैयदना हुसैन से। ये जुल्म है, ये जुल्म है। मेरा जुमला याद रखिएगा, 1 करोड़ यजीद हो, कितने 1 करोड़ यजीद हो, सैयदना हुसैन के पांव की खाक के बराबर, ये सहाबी रसूल, ये नवासा रसूल, ये जन्नत के नौजवानों के सरदार। हुसैन कौन है? जन्नत के नौजवानों के सरदार, अली के बेटे, फातिमा के लखते जिगर, रसूल के तूल खुशबू, नबी की खुशबू, नबी का नवासा, जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधों पे सवार करा के सैर कराया करते थे। और उमर कहा करते थे, हुसैन तेरा क्या करना, तू कितनी प्यारी सवारी पे सवार। और प्यारे हबीब उमर को कहा करते थे, उमर सवारी भी प्यारी है, सवार भी बहुत प्यारा। यजीद बामुकाबला हुसैन ऐसा आदमी जालिम है जो यजीद को हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु वर्दा के मुकाबले पे पेश करता है। करोड़ यजीद भी एक हुसैन नहीं हो सकता, लेकिन दुनिया राफ़िदियत के करोड़ ज़ाकिर यजीद के बराबर भी, करोड़ ज़ाकिर यजीद के बराबर भी यजीद को बैठ के गालियां देने वाले अपने मजमू के अंदर और अल्लाह के साथ शिर्क अकबर करने वाले, यजीद जैसा जैसा भी था काफिर मुशरिक, और जो ज़ाकिर आज यजीद को गालियां देते हैं ये मुशरिक है, ये बदअकीदा है, इनका कुफर खुला हुआ कुफर है। तो यजीद के बारे में भी दोनों तरफ हमारी राय के हिसाब से गुलू है। यजीद के दौर में हजरत हुसैन का कत्ल यकीनन हुआ है, मगर किसी एक मुस्तनद रिवायत से यह साबित नहीं कि यजीद ने हुक्म दिया था हजरत हुसैन को कत्ल करने का, यह कहीं भी रिवायत में साबित नहीं आ रही। मेरा ख्याल कूफा के गवर्नर के हुक्म से कत्ल जरूर हुआ है, लेकिन क्या यजीद ने इसका ऑर्डर दिया था, इसका किसी मुस्तनद रिवायत में सबूत, बोलो भाई, नहीं मिलता। लेकिन इस बुनियाद पर यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहना यह भी गलत है। ठीक है, यजीद के बारे में किसी मुस्तनद रिवायत से नहीं मिलता कि उसने कत्ल का हुक्म दिया था या कत्ल करवाया था, लेकिन कत्ल होने के बाद यजीद ने उस गवर्नर के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। हजरत उस्मान के कातिलों के बारे में तो यह था कि उनको लटकाया जाए, हजरत हुसैन के कातिलों को क्यों नहीं लटकाया? नहीं यारी बात सुन, तो यह जुर्म भी है कि हुकूमत, मुमकिन है यजीद कह सकता हो कि मेरे बस में नहीं है, कह सकता हूं कि मेरे बस में नहीं है, तो भाई आपके बस में अगर नहीं है तो हजरत अली के बस में भी नहीं था हजरत उस्मान के कातिलों से किसास लेना। तो इसलिए यजीद को बिल्कुल मासूम करार देना यह भी गलत है, वो मुजरिम था, लेकिन उसको इतना लानती करार दे देना कि गोया हजरत हुसैन को उसने कत्ल कराया था, इसका भी किसी तारीखी मुस्तनद रिवायत से सबूत नहीं मिलता। लिहाजा सही बात यह है कि ना लानतुल्लाह अलैह कहो ना रहमतुल्लाह अलैह कहो। लानत कहते हैं जी यजीद के ऊपर लानत करनी चाहिए, मेरे भाई मेरा चैलेंज है, मैंने कभी भी लानत नहीं की किसी वीडियो क्लिप में, ठीक है। अलबत्ता मैं ये कहता हूं कि वो लानत का मुस्तहिक हुआ, ये यजीद के झूठे कारनामे जो मैंने बताया इसमें, इसके जो यजीद के जो बुरे कारनामे हैं और उसके झूठे दिफा के खिलाफ मैंने ये पंफलेट लिखा 5A, यजीद के 3 स्याह कारनामे, ठीक है। इसमें मैंने लिखा है कि उसने अहले मदीना के साथ जो कुछ किया उसकी वजह से वो लानत का मुस्तहिक हुआ, सही मुस्लिम की अहदीस के तहत मुस्तहिक हुआ है, लेकिन हम लानत नहीं करते। अगर कोई करता है उसको रोकते भी नहीं, क्योंकि कुरान में आयत है सूरतुल अहज़ाब की 56 नंबर आयत है, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी, और 57 आपको पता क्या है, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाहा व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरा, जो अल्लाह और उसके रसूल को अजियत देते हैं उन पर लानत है अल्लाह की दुनिया और आखिरत में। हुसैन को शहीद करने वाले अल्लाह रसूल को अजियत देने वाले हैं कि नहीं? अल मुस्तदरिल हाकिम में सही सनद के साथ है, ये बतरदीसों के एंड पे मैंने डाली है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 4717 नंबर हदीस है,
کہ اللہ کی قسم جو ہم اہل بیت سے بغض رکھے گا اللہ اسے ضرور دوزخ میں داخل کرے گا. اور امام زابی نے لکھا ہے کہ یزید ناسبی تھا, حضرت علی سے بغض رکھنے والا تھا, اس سے بھی بڑی بات, جو کہ لٹمس ٹیسٹ ہے ایمان کا. صحیح مسلم 240, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اور اسی کا ایک طریق مستدرک حاکم میں موجود ہے 4712 اسی حدیث کا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہے, پاوے رفع دائیں پڑھتا رہے, پاوے ہاتھ باندھ کے پاوے ہاتھ چھوڑ کے, اور روزہ رکھتا رہے روزانہ, اور اس حال میں مرے کہ اس کے دل میں بغض اہل بیت ہو, تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور دوزخ میں داخل کرے گا. تو لعنت سے اگلی بات ہے یہ. تو جو لوگ ہم, میں جرنل کہتا ہوں, میرے وہ کلپ بھی چڑھا, کہتے ہیں دیکھیں اس نے لعنت کی, میں نے جرنل لعنت کی ہے. میں نے کہا اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے سیدنا حسین کو شہید کیا. یہ تو جرنل میں بات کر رہا ہوں, تو انہوں کو تکلیف ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ تو لعنت نہیں مسلمان پہ کرنی چاہیے. اچھا تو انہوں پتہ ہے پھر کیڑا مسلمان نے لعنت کی تھی؟ قرآن میں آیا, میں بائی نیم نہیں کر رہا, ٹھیک ہے نا. اور یہ بات ڈاکٹر ذاکر نائک, جن کی میں عزت بھی کرتا ہوں, اختلاف رائے بھی یزید کے بارے میں, میں نے ان کے خلاف یہ لیکچر بھی ریکارڈ کرایا مسئلہ 61, اور یہ پمفلٹ بھی لکھا, ان کی عزت بھی کرتا ہوں. انہوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ میں آج کی ڈیٹ میں لعنت کرتا ہوں اس شخص پہ جس نے حسین ابن علی کو شہید کیا. باقی وہ تعبیر کرتے ہیں اپنے بزرگوں کی وجہ سے کہ وہ یزید یا یہ لوگ نہیں, یہ کوئی اور ہے. ابن تیمیہ نے مثال دیا, صحیح کہا. ہاں تو وہ تو مطلب بائی نیم ہم لعنت نہیں کر رہے, لیکن جرنل تو ہمیں کرنے تھے. ہم کہتے ہیں جس نے اہل مدینہ کو لوٹا اس پہ اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے, ٹھیک ہے جی. ہاں جی آپ اپنا بتانا, کیا آپ کو لگتا ہے کیا یزید پر لعنت کرنا صحیح ہے یا غلط ہے, یہ چیز آپ بتانا. اور جیسے ہی پانچ لوگوں کا سنا, اس میں جتنا ہمیں سمجھ آیا, حالانکہ آدھے سے زیادہ ویڈیو مجھے سمجھ تو نہیں آئی کیونکہ ٹیکنیکل کافی باتیں تھیں, نہیں سمجھ آئی. جتنا بھی سمجھ آئے اس حساب سے یہ ہے کہ حضرت حسین کو شہید کیا گیا ہے, بٹ وہ شہید کیا یزید نے کیا ہے یا ان کے کمانڈر نے کیا ہے؟ ان کے کمانڈر نے تو کیا ہی کیا ہے, مطلب جو ان کا گورنر تھے انہوں نے کیا ہے, بٹ کیا وہ اس ٹائم حکم یزید نے دیا تھا نہیں دیا تھا, وہ چیز کہیں سے ثابت نہیں ہوتی. مطلب کہیں پر مین پرپز اس ویڈیو کا یہی تھا کہ آپ کوئی بھی, یزید کو چھوڑو, اگر کوئی بھی کسی کے ساتھ بھی برا کرتا ہے تو کیا ہمیں کسی کے برا کرنے پر اس کو لعنت دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے, یہ تھا پرپز اس ویڈیو کا. اور سب کے اپنے اپنے نظریے تھے, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, کسی کا ویسے بھی مجھے بھی بالکل سمجھ نہیں آیا. لیکن بتا رہے تھے کہ قرآن میں ایسا کہا گیا ہے, قرآن میں ایسا کہا گیا, لیکن بٹ قرآن میں کہیں یزید کے بارے میں, مطلب لعنت کے بارے میں کہیں کچھ نہیں کہا گیا. تو کافی زیادہ جو مفتی مولانا جو بھی تھے جا صاحب نے ڈائریکٹلی نہیں کہا, انہوں نے لعنت نہیں کہا, مطلب نام لے کے نہیں بولا, بٹ یہی بولا کہ حضرت حسین کو شہید کرنے والے پر لعنت. وہ گورنر ہے, اس نے شہید کیا تھا, بٹ وہ آرڈر یزید نے دیا تھا نہیں دیا تھا وہ کہیں پر ثابت نہیں ہوتا. اور اس کے بعد میں جو کہ گورنر تو انہی کا تھا, یزید کا ہی گورنر تھا, تو یزید نے ان کے اوپر کچھ ایکشن بھی نہیں لیا, تو اس سے پھر کیا ثابت ہوتا ہے؟ باقی جو ان سب برے کارناموں کا, اچھے کارناموں کا, سب کا رزلٹ تو اللہ کے پاس ہوتا ہے, سب کچھ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے. بالکل. تو چلتے ہیں گائز, یہ ویڈیو تھی ہماری. کہاں سے تھی ویڈیو؟ ایک منٹ. کمپیریٹیو اسلامک اسٹڈی چینل سے, مسائل کا حل. ہاں تو آپ ان کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, اور ساتھ ہی آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں. اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک کیجیے, کمنٹ کیجیے اور شیئر بھی کیجیے. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.